ये मधुबनी जिला का पंडोल प्रखंड सलेमपुर पंचायत है। यहाँ की वृद्धावस्था पेंशन जो है, इन लोगों की वृद्धावस्था पेंशन 2016 के आसपास तक मिला है और उसके बाद बिहार सरकार के अधिकारियों ने इन्हें अपने वृद्धावस्था पेंशन के लिस्ट से मृतक घोषित करते हुए छांट दिया है। यानी बिहार सरकार की छटैया अभियान में यदि आप जिंदा हैं तो आप रजिस्टर पर मृतक हैं। ये बिहार सरकार के छटाई अभियान की नीति है। इसी के तहत मैं शैलेश कुमार पंचायत सलेमपुर में कुछ पेंशनधारी वृद्धजन पेंशनधारियों से मुलाकात कर रहा हूं और इनके बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात है 1984 के आसपास वृद्धावस्था पेंशन देना केंद्रीय सरकार ने शुरू किया था, जिसकी राशि 300 रुपया थी। लेकिन आज तक 2020 तक कई सरकारें आई हैं और कई सरकारें बिहार में चली गईं, जैसे लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सारे मुख्यमंत्री हुए बिहार के। लेकिन 300 रुपया से लेकर के 500 रुपया इन्होंने आज तक नहीं किया है। यानी बिहार सरकार की वृद्धजन पेंशन योजना वृद्ध के बारे में यही नीति है, जबकि इसी के आसपास हरियाणा और पंजाब की जो वृद्धावस्था पेंशन है 2000 रुपया मिला है। यानी वहाँ की सरकारें अपनी वृद्धजन पेंशन पर हर सरकारें कुछ ना कुछ अनुदान देती है या घोषणा करती है, और घोषणा करने के साथ ही वो देती भी है। लेकिन बिहार सरकार क्यों नहीं दे रही है 300-400 रुपया के अतिरिक्त? आज तक 84 से लेकर के 20, इतने समय के दरमियान में एक वृद्धजन को मात्र 400 रुपया मिलता है। आखिर सरकार अपनी योगदान, अपनी हिस्सेदारी वृद्धजन को क्यों नहीं दे रही है? 60-40 की भागीदारी है केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलाकर के। वृद्धजन के पेंशन करीब करीब अभी के समय में 1000-1200 रुपया होता, लेकिन नीतीश सरकार या लालू जी के सरकार जो अभी वोट के लिए ताबड़तोड़ हल्ला फसाद कर रहे हैं, गद्दी तो चाहिए लेकिन जनता के काम इन लोगों को नहीं चाहिए। 300 रुपया में ये वृद्धजन पेंशन को दिलासा दिलाते हैं। वो हम चलते हैं इसी दरमियान, अभी आप लोगों को अब हम चलते हैं वृद्धजन से बात करते हैं, आखिर इन लोगों को पंडोल प्रशासन या जिला प्रशासन ने क्यों छांट दिया है, छांटने का कारण और कब से है। तो आपका नाम? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी, हाँ। पेंशन मिलता था? हाँ मिलता, पहले कितने वर्षों पहले मिल रहा था? 400 रुपया, हाँ। 400 रुपया मिलता था, हाँ। और कब से नहीं मिल रहा है? 4 साल। क्यों नहीं मिल रहा है? अब किया नहीं मिले ऐसे तो कहल के मृत्यु में घोषणा दे दिल के, मृतक में घोषित कर दिया है, हाँ। ये है, क्या नाम बताए? उर्मिला देवी। ये उर्मिला देवी, ये देखिए, उर्मिला देवी को मृतक में घोषित कर दिया गया है। अब हम चलते हैं, आप खड़ा हो, सब खड़ा, हाँ। अब चलते हैं इनसे पूछते हैं जो कि इनको क्यों, की नाम आप, अहाँ के की नाम? इंदिरा देवी। इंदिरा देवी, कहिया सब पेंशन बंद है? भेटवे नहीं करी। कहियो नहीं भेटल है? नो। आज तक नहीं भेटल है? नो। अच्छा, अप्लाई के लिए है? हाँ, 1 साल हो गया। अप्लाई केला के बाद वो रसीद दला के ऑफिस में? हाँ। अच्छा, ई रसीद दे पेंशन वाला, हाँ। अच्छा, तब पेंशन भेटल है नहीं अखन? नो। ठीक है, चलो उठ जाओ। अहाँ के की नाम भेल? मीना देवी। मीना देवी,
कहिया से पेंशन भेटल बंद है? 17 के जे भेटल 2800 रुपया ओ दिन से नहीं भेटल है। फिर प्रयास के लिए प्रयास कते बढ़ गेलिए पंडोल जे इम्हर इम्हर कहे हमरा साथ तकरा सुसलहुँ हँ पंडोलो गेलहुँ हँ मुदा नहीं भेल। पंडोल में वीडियो की कहलक? वीडियो हमरा वीडियो चिन्हबो वीडियो भेटबे नहीं कल ठीक है माने 4 साल से अहाँ के नहीं भेटे ओसे पहले भेटे छलिए मृतक घोषित कर देने? हाँ हाँ हमरा एके बेर भेटल। अच्छा अहाँ के एके बेर भेटल 2800 रुपया? ठीक है। केना भेटल 2800? अकाउंट पर या हाथो हाथ? हाथ में हाथो हाथ दलक। हाँ 17 के दलक हाथो हाथ से संत भवन में वो दलके। अच्छा कर्मचारी? हाँ ठीक है भवन की नाम भले? काली देवी। कहिया से पेंशन भेटने बंद भले? 4 साल से आपको पेंशन नहीं मिल रहा था? मिला। अच्छा उसके पहले मिल रहा था? हाँ। कैसे मिल रहा था? 400 का टका मिले। 400 रुपया ऐसा 4 साल पहले? हाँ। तकरा बाद किया नहीं मिलल? तकरा कारण खोजलिए माने क्यों नहीं मिला ये पेंशन? बहुत के लिए हम सब तो वृद्ध लोग होते बुझे नहीं छे मगर जे जे कहलक से सबके के लिए। अच्छा से तैयो नहीं भेटल? तैयो नहीं भेटल। अच्छा कोनो अधिकारी से मिललिए? माने कब से पेंशन बंद है? 4 साल से 4 साल पहले मिल रहा था? हाँ। कहाँ मिला था? पंचायत भवन। माने अकाउंट पर या हाथों हाथ? हाथों हाथ। और उसके बाद से नहीं मिला है? उसके बाद नहीं मिला है। खाता खोलवाने कहे तो खातों खोला ही। खातों पर नहीं मिला? खातों पर नहीं मिला। तो आप कहाँ कहाँ गए? पंडोल गए 4 बार। पंडोल 4 बार गए? तो हाकिम कहा जे तुम लोग बैठोगे घर में, अब क्यों न जाना है, पाए भेट जाएगा, पाए मिल जाएगा। हाँ। लेकिन हाकिम के हाकिम कहा जे मृत घोषित में लिख दिया। हाकिम कहा मृत घोषित में है? अब ये सरकार देखिए यहाँ के वीडियो प्रशासन, आदमी जिंदा है और कह रहा है तुम लोगों को मृत में घोषित कर दिया गया है। ये है बिहार सरकार नीतीश सरकार के सरकारी व्यवस्था। की नाम? महालक्ष्मी देवी। महालक्ष्मी देवी कहिया से पेंशन बंद है? 4 साल से एक बेर भेटल। हथौटी भेटल जहिया से कंप्यूटराइज कल के नहीं कल के? कतो कतो गेबो के लिए बुझलिए? गेलिए 2-3 बेर पंडोल गेलिए, सबके पूछलिए किछो नहीं भेल। नहीं भेल? अच्छा ठीक है भ गेल। जे कहबा के पूरा खुल के कहबे, गाली पढ़ना है गाली पढ़िए, जो भी करना है आप लोग स्वतंत्र है, कोई किसी का डर नहीं है। बताइए पेंशन कब से मिल रहा था? एक बेर कहाँ मिला? बिरोल चौक पर खाता में। बिरोल चौक पर खाता में मिला? 2000। उसके बाद? उसके बाद नहीं मिला। आप पता लगाए जो कि पेंशन नहीं मिल रहा है या मिला है? करेत भले टाइम पास। कितने आवेदन किए पंडोल में जाके मिले? नहीं मिले। चलिए अब उसके बाद से बंद है? एक बेर मिलल बाबू। एक बेर ठीक है बाबू। जे मन में हुआ से कहियो सरकार के विरुद्ध में, फूल खुला कहियो। पूछलो पवित्री दे। एक सेकंड बुझलिए, जत्ते मन में भरा से सरकार पर पढ़ियो, ऐ पर अहाँ के कोई किस नहीं करत। कहिया से भेटे या पेंशन? 4 साल लगा नहीं भेटल।
चार साल से नहीं भेटे वैसा पहले भेटल रहे वह हथौठी भेटल अठाइस वह चार साल लक नहीं भेटल पंडोल चार बेर पाँच बेर गलो एक चार चार पाँच बार बार पंडोल जाने के बाद भी यहाँ के वीडियो पर ने प्रखंड प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। कुछ नहीं। ये है बिहार सरकार के नीतीश सरकार के वृद्धजन पेंशन के पर कृपा, वृद्धजन पेंशन की कृपा कर रहे हैं नीतीश सरकार और पंडोल प्रखंड का पर कोई सुनवाई नहीं है। चलो हाँ भगले कब से पेंशन मिल रहा था? यह पंचायत भवन में जब भेटले उसके बाद से नहीं मिला। आप गए कहाँ कहाँ गए मिलने के लिए? बहुत प्रयास कम नहीं कल हूँ सरकार, बड़ प्रयास कल हूँ हमारा के मृत्यु में धो दिला दे बड़ पाई बर्बाद कल हूँ दूर बढ़ा कहाँ पंडोल कहाँ कहाँ पैसा बर्बाद किए पंडोल में पंचायत भवन में अपने पैसा बर्बाद किए। आपसे पैसा कोई मांगा? तैयो नहीं सुनवा के कही अखन तक कतो पता नहीं छे। पैसा देने के बाद भी काम नहीं हुआ? नहीं काम। अच्छा चलिए ठीक है। कितना पैसा खर्च किया अभी तक? कम से कम 1,000-1,500 रुपया खर्चा कर 1,000-1,500 रुपया खर्चा किए हैं फिर भी काम नहीं हुआ? चलिए ठीक है भगले हूँ आपको हो गया आप कर लिवा लिए पर्ची कहाँ है जान निकल अहाँ सब नाम नहीं कहलिए की नाम? दायबती। पेंशन कहिया से भेटैये? चार बरख लख नहीं भेटैये। चार बरख से पहले कतौ भेटल रहे? पंचायत भवन हाथ पर देने रहे हाथ से गिन के देने रहे आ पेंशन बंद भ गेल तो अहाँ केना कतौ कतौ गेलिये पेंशन चालू करबे ले? चार बेर गेलिये पंडोल चार बेर। तो ओतो की कहलक भेटत नहीं भेटल आ भाड़ा में खाता खोलो नहीं छी तैयो नहीं भेटैये। फिर अप्लाई नहीं केलिये? अप्लाईयो करा देने छी। माने आप लोग अप्लाई करते हैं पंडोल प्रशासन फेंक देता आप एप्लीकेशन को? हाँ। अच्छा ठीक है। और कुछ कहना है आप लोग? पूरा दिल खोल करके बोलिए इस पर की कहबे हम तो मरै छी त हमरा के हमरा के नहीं भेटै या कोनो बेकला 1,500 करीब लागल आ रुपया 1,500। हां अबे मैं दौड़ में आइ जाग। अच्छा दूसा कल सो मांगलो ठीक दूसा का 2-2 सौ रुपया मांगा है? हां तैयो ना 10। अच्छा 2-2 सौ रुपया किसने मांगा जानते हैं उसका? अच्छा किछ नहीं दिया औना कर रह गेल चलो ठीक छै बाबू भगले नाम कहबे ने कैमरा पर कहाँ है नहीं हमरा भगले हमरा भेटै ओ सब भेटै ओकरा भेटै किन के आगे रखिए उल्टा के तना लिखियो ने बुआ ना लिखवा बने तो बैसो चलो बस ये दोनों हाथ पकड़ियो ने काला दे दियो ने बुआ हाँ अब बताइए पेंशन आपको कब से मिल रहा है नहीं मिल रहा है? 4 बरस हो गए। पूरा खोल के दिल खोल के बोलिए जिस पर जिसके विरुद्ध में बोलना है बोलिए। वीडियो के विरुद्ध में 4-5 बार गए नहीं कहा मिलेगा मिलेगा नहीं मिला। अच्छा साले लोग खा लेता है देता है नहीं है ना अप्लाई तप्लाई का माने कुछ भी काम नहीं कर रहा है कतो जाए छे भेटत भेटत दैया क्यों ने माने काम ही नहीं कर रहा है कोई नहीं कोई काम नहीं कर रहा है। कैसे पता चला जो कि मेरा नाम का मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है? जब लिस्ट आया उसमें मृतक में लिखा हुआ था वो लिस्ट में मृतक में घोषित है। हाँ। ये देखिए बिहार सरकार की छठैया अभियान और वृद्धजन पेंशन का पर कृपा ऐसे करते हैं नीतीश सरकार और नीतीश सरकार के प्रशासक जो वृद्धजन पेंशन घोषणा कुछ करते हैं काम धरातल पर कुछ और करते हैं। यमुना कांझा आप कहाँ रहते हैं? सलमपुर रहते हैं ठीक। आप क्या हैं?
मैं सलमपुर पंचायत का 6 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं। तो इन लोगों की समस्या के बारे में आपने क्या क्या कदम उठाया? मैंने कई बार इन लोगों को लेकर के पंडोल गया ब्लॉक में, वीडियो साहब से ही बात हुआ, लेकिन कोई उस रूप से इस चीज को नहीं सुना और कोई देखभाल नहीं किया। हर वक्त जब गए तो अगला मीटिंग में आइए, कई मीटिंग हम लोग मैंने अटेंड किए लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। तो वीडियो के यदि आप एक वार्ड मेंबर हैं और जनता का भार आप पर है, तो अगर वीडियो नहीं सुना तो वीडियो के विरुद्ध में आप कहाँ कहाँ गए? उसके बाद में मैंने पार्टी का जो नेता है, कौन, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, उसको बोले, वो हमसे मैंने सब ये दो आदमी का मैंने फोटो लेकर के डीएम के पास गया हुआ है, वहाँ से अभी कोई खबर नहीं। कब गए डीएम के पास? यही आजकल में गया है, 3 दिन पहले ले गया था लिख करके। अच्छा, आपको ये पता है जो कि अफसर के विरुद्ध में, एसडीएम के विरुद्ध में, दरोगा के विरुद्ध में, एसपी के विरुद्ध में, डीएम के विरुद्ध में जी, और ब्लॉक प्रखंड वीडियो के विरुद्ध में मधुबनी जिला में लोक शिकायत ऑफिस खुला हुआ है, आप लोग कभी उसे उसमें गए इनका समस्या को लेकर के? नहीं, लोक शिकायत ऑफिस में नहीं गए। नहीं गए? नहीं, बुझ लेना चाहिए जनता की, नहीं मालूम तो है लेकिन इसको लेकर के नहीं। मैं बता देता हूँ जो कि इस ऑफिस में लोक शिकायत कार्यालय में सिर्फ प्रखंड सिर्फ अधिकारी के विरुद्ध में ही शिकायत होता है जी। ठीक है जी। तो आप लोगों का जन प्रतिनिधि है जी, तो ज्यादा इस पर टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा अपना काम छोड़ करके भी। यस, ठीक है, ठीक है। नीचा करो मुंह, नीचा और नीचा। हाँ बताइए, नाम बताइए। गनौर। हाँ, कब से नहीं मिल रहा है? 4 साल से नहीं मिल रहा है। इसी पंचायत के निवासी हैं? हाँ जी। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? पंडोल गया। आवेदन किस किस को दिया? एसडीओ पार्टी पास ही गया तो बोला से जॉब मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अच्छा, मिलेगा मिलेगा। हाँ। उसके बाद से नहीं मिला? नहीं मिला। एक बार भी नहीं? नहीं। पहली बार आपको कब मिला? अंतिम बार? अंतिम बार पंचायत भवन में। पंचायत भवन में कितने रुपया मिला था? 2800 रुपया मिला। 2800 रुपया मिला था। हाँ। उसके बाद से नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, ठीक। 4 साल भले? हाँ, 4 साल। ठीक। ये जो है, आप बताओ जे दिल में हुआ सब खोल कर दियो। मुख्यमंत्री के घर पर हूँ, कलेक्टर के घर पर हूँ, किसी को भी आप बचा सकते हैं क्योंकि आप परेशान हैं। आप बताइए क्या नाम है? राम नारायण झा। राम नारायण झा जी, आप बताइए पेंशन बंद, पेंशन पहला अंतिम पेंशन कब मिला? 4 साल पहले मिला। 4 साल का। कहाँ मिला? पंचायत भवन। पंचायत भवन में। हाथ से मिला रजिस्टर पर? हाँ, हाथ से। उसके बाद से नहीं मिला? नहीं मिला। आपको पेंशन बंद हो गया तो आप कहाँ कहाँ गए इसको चालू कराने? कतेक बार वीडियो लग गेलूँ, अप्लाई के लिए फॉर्म लिख करके दीजिए, सब किछ दिलिए, लेकिन तैयो अखन धरि नहीं भेटल। अखन तक नहीं भेटल है? ठीक है। ये पेंशन धारी नीतीश सरकार के वृद्धजन पेंशन पर दया कृपा। ठीक है। हाँ, भेज दो, भेज दो, जाओ 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 वहाँ जाओ जाओ जाओ। पुरुष सब रह जाओ, किस पुरुष सब के रह किस हमका से भेज दो। हाँ, नाम बताओ। बहुरन ठाकुर। बहुरन ठाकुर, आपको कब से नहीं मिल रहा? 4 साल पहले मिला था। 4 साल पहले कितना मिला था? 2800। 2800 रुपया। उसके बाद? नहीं मिला। उसके बाद नहीं मिला तो आप कहाँ कहाँ गए? पंडोल गए। हाँ। पंडोल 4 बजे 5 बजे दौड़े। हाँ। सबका मिलेगा मिलेगा फार्म लिख कर देते थे, रख लेता था, कुछ सुनवा नहीं। उसके बाद आप माने अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। ठीक है। नाम? बहुरन ठाकुर। हाँ जी, ठीक है। बहुरन ठाकुर के बीच। ठीक है, हो गया।
पुरुष ठीक से पकड़िए कागज हाँ ठीक से नाम कहाँ क्या नाम है रामकृष्ण मंडल कब से मिल रहा पेंशन बंद है 2016 के फरवरी तक मिला हुआ 2016 के फरवरी तक मिला है उसके बाद बंद हुआ जी तो बंद होने के बाद आप कहाँ कहाँ गए कई बार मतलब फिर दोबारा सब सबूत लेकर के बंडोल गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं कोई घूस तूस भी मांगा जो कि पेंशन पैसा दीजिए हम पेंशन चालू करवा देंगे ऐसा कोई मिला आपको नहीं एक आदमी लिए थे सलमपुर का वो है विजय का हाँ जो 200 रुपया हर एक पार्टी से लिए लेकिन कहे हम डायरेक्ट काम करवाएंगे लेकिन किसका क्या नाम था उसका नाम नहीं जानते हैं बेनाम का आदमी पैसा दे दिया आपको कोई मधुबनी में जाएगा कि 1000 रुपया दो तो दो करवा देंगे नहीं जानते हैं नाम कोई जानते हैं तो बताइए उनका अच्छा ठीक है हो गया चलिए हाँ वो सब पहला काम है चलिए उठिए क्या नाम है ज्ञानी महतो ज्ञानी महतो कब से पेंशन बंद है ये पंचायत भवन मिला है उसके बाद नहीं मिला है हमको पंचायत भवन के बाद से नहीं मिला है नहीं मिला है तो आप कहाँ कहाँ गए नहीं मिल रहे पंडोल गया है 4 बार पंडोल के प्रखंड बीडीओ से मिले वहाँ पर हाँ मिले कहा जो आपको हो जाएगा काम लेकिन काम हुआ नहीं यानी जब जब आप लोग गए तब तब यही दिलासा दिलाया प्रखंड विकास पदाधिकारी पंडोल हाँ अच्छा ठीक है चलिए हो गया ऊपर वाला क्या नाम महेंद्र पासवान महेंद्र पासवान कब से पेंशन बंद है वो जो 4 साल से बंद है 2800 रुपया पंचायत भवन में मिला तब से नहीं जो है जो मिल रहा है हाँ। और जो है जो 4 साल में जो कई एक बार पंडोल में जो है जो भामक भाम जो है टेम्पू का टेम्पू लोग आदमी सब जाता था वीडियो साहब और जो इसको जो है जो विकास मित्र है वो सब जो है कहता है जमा कर बा लेता था कहता था भेटेगा लेकिन अब तक भेटते हैं आज तक भेटते हैं फाड़ के फेंक देते कागज तो नहीं मिला नहीं 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 मिला ठीक है क्या नाम महेंद्र पासवान महेंद्र पासवान कोई ऐसा भी आदमी मिला पंचायत से लेकर के प्रखंड तक जो कि पैसा दो दीजिए तो मैं काम करा दूंगा नहीं नहीं पैसा वाला गप को किसी नहीं बोले किसी नहीं बोला ठीक है चलिए पन्नी राखा ना हो तब फेंक दियो एक हाथ है वो ई भागे ई पकड़न दे ई लावे ई हाथ लावे हमार तब पकड़ हाँ तो हट जाओ पन्नी गिरा दियो हट जाओ दोनों हाथ पकड़ खिलाड़ी नहीं क्या नाम असरफी यादव असरफी यादव कब से पेंशन बंद है 4 साल से बंद है कहाँ कहाँ गए पेंशन चालू कराने के लिए पंडोल पंडोल में किसके पास वीडियो के पास अब वीडियो मिला आपको कि नहीं मिला तो कागज लेकर के अपना धरे कागज लेकर के रख लिया फिर क्या कहा कहा जो जाओ ये मिलेगा फिर आने के लिए कुछ नहीं कहा जो कि फलाने तारीख को आइएगा इस तारीख को आइएगा नहीं नहीं सीधे रख लिया हाँ उसके बाद फिर गए आप नहीं 3 बार गया था 3 बार गए थे तीनों बार में एक बार भी वीडियो ने नहीं सुना नहीं लेकिन आपको कैसे ये पेंशन बंद है या आप मृतक हैं कैसे पता चला मुझे मार दिया है पंचायत में लोग कहा पंचायत में लोग कहा ठीक है चलिए क्या नाम है लखन महतो लखन महतो कब से पेंशन बंद है 4 साल से 4 साल से पेंशन खुलवाने के लिए कहाँ कहाँ गए आप मैंने विजय गेल छु निर्वापुर अच्छा भराम
भराम में क्या है? बैंक का खाता नहीं, पेंशन मिल जो बंद हो गया आपका, उसको चालू करवाने के लिए कहाँ कहाँ गए, किस किस ऑफिस में गए? पंडोल, पंडोल, पंडोल में, पंडोल में क्या कहा? हो जाएगा, हो जाएगा। पंडोल में वीडियो के अतिरिक्त वीडियो ऑफिस में वीडियो मिला आपको? हाँ हाँ। कैसा है उसका ऑफिस? अलगे हो जाएगा। पंडोल ऑफिस में जो वीडियो है, वो वीडियो ऑफिस में आप गए तो देखे होंगे ना, उसका ऑफिस कैसा है? गेट से उतर, गेट से उतर। अच्छा चलिए ठीक है, वीडियो कहाँ हो जाएगा? हाँ चलिए। पासबुक सीधा कीजिए, कागज सीधा कीजिए, वही में दियो दूध तोरी वाला। हम कम आहा बैठ जाओ, आहा के ठार भेल नै हत, बैठ जाओ। आप कने उठा देबे बोली, जय साध, उठाइए के राखो योगी भाई। हो नीचो में रखता सकल मुंह सकने नीचे। हां वो नहीं है तो देख ही चिंता। हां तो ओसे देख ले, खैर दियो। हां क्या नाम है? चंदेश्वर राय। चंदेश्वर राय, अंतिम पेंशन कब मिला? चार साल पहले पंचायत भवन में। चार साल पहले पंचायत भवन में, उसके बाद पेंशन नहीं मिला? नहीं। तो कहाँ कहाँ गए पेंशन चालू करवाने के लिए? पंडोल गए, तीन बार वीडियो को बोले, वो बोला जो हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, जाइए आप लोग, जाइए 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 जाइए, भीड़ मत कीजिए, जाइए मिल जाएगा, जाइए मिल जाएगा जी। फिर लेकिन मिला नहीं? नहीं। उसके बाद फिर कभी गए नहीं? कितने बार गए पंडोल? तीन बार। तीन बार गए, ठीक। क्या नाम है? चंदेश्वर राय। पंचायत? सलेमपुर। प्रखंड? पंडोल। पंडोल, ठीक है। आपको हो गया? नहीं नहीं, हमरा नहीं भेले। ठार ने हुआ? हां हां, तू जान पूरी हो या ठार बनो देख के। हां सब सब सब्सक्राइब किया, हां बाजे चलिए ऊपर। हां क्या नाम है? परमेश्वर राय। परमेश्वर राय, कब से पेंशन बंद है? चार पाँच सोलह से बंद है। किस वार्ड में रहते हैं? छह वार्ड में रहते हैं। पंचायत? सलेमपुर। प्रखंड? पंडोल। पंडोल पंचायत, तो ये जो बंद हुआ आपका पेंशन, तो पेंशन चालू करवाने के लिए किस किस से मिले और कहाँ कहाँ गए? बीडीओ ऑफिस गए, बीडीओ से मिले। हाँ उसके बाद कई ठू बेर गए, तीन चार बार गए। तीन चार बार गए। हो जाएगा, जमा कीजिए कर्मचारी के पास, ठीक है, हो गया। आप वहाँ सब एक साइड में चलो, तो एक साइड में चलो, इलो ना वही सब एक साइड में चलो। हाँ एक साइड में। ये है पंडोल प्रखंड प्रशासन, सलेमपुर पंचायत से पंडोल की जो किराया है, एक आदमी को एक बार जाने में 200 रुपया खर्च होता है। और ये वृद्धजन जो है सो चार चार पाँच पाँच मार गए हैं, लेकिन इन लोगों को कोई पेंशन पर आज तक बिहार सरकार के जो प्रशासनिक व्यवस्था पंडोल पदाधिकारी है या जो वृद्धजन पेंशन से संबंधित जिला पदाधिकारी, जिला अनुमंडल पदाधिकारी जो भी अधिकृत हैं, उन्होंने इन लोगों को, इन लोगों के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया। यानी पेंशन चालू करवाना है, चार बार पंडोल जाना है, चार बार के खर्चा आता है। आप सोच लेंगे जो कि एक बार पंडोल जाने में 200 रुपया खर्च होता है, चार बार यदि जाता है तो कितना रुपया खर्च होगा। सवाल ये नहीं है जो कि वृद्धजन पेंशन पंडोल जाते हैं या नहीं जाते हैं, कितना खर्च होता है। सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार की जो नीतीश सरकार की पेंशन जो रोना धोना है वृद्धों के संबंध में, वृद्धजन पेंशन के बारे में सरकार खुल ढुल ढुलबुल नीति अपना रही है। इससे पहले बिहार सरकार के पास एक ऑनलाइन आवेदन शुरू किया था वृद्धजन पेंशन योजना, उसमें सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा गया था। लेकिन बिहार सरकार की जो नीति नियामक हैं, बाद में सभी पेंशनधारियों से वोटर कार्ड मांगा, वोटर कार्ड, अर्थात यहाँ की जो बिहार सरकार की नीति नियामक हैं वो भी ढुलमुल हैं। वो इतना कहना हम स्पष्ट कर देते हैं जो कि कोई भी जनता में नीति आनी चाहिए, पहले पूरे तरह से आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लेना चाहिए नियमों को। बार बार नियम बना करके जनता को परेशान करना बिहार सरकार की सबब बन गई है।
अर्थात यदि आप सबसे बड़ी समस्या है, आज तक बिहार सरकार बिहार में वृद्धजन पेंशनों को 400 रुपया ही क्यों मिल रहा है। ये पेंशन ये जिंदा आदमी को मार करके घोषित करने का अर्थ क्या है? अर्थात बिहार सरकार वृद्धजनों को पेंशन नहीं देना चाहती है। वो किसी ना किसी बहाने के तहत उसको अपने नियम के तहत हटाना चाहती है। मैं यही कहूँगा जो कि बिहार सरकार की जो ढुलमुल रवैया है वो बिहार सरकार सतर्क हो जाए, क्योंकि ये जनता है, जनता किसी की नहीं है। जैसे आप राजनीतिक दल या विधायक जीत करके जाता है किसी सिंबल पर, आप भाग जाता है किसी सिंबल में, वो भी जनता आपको पनिशमेंट देगी। क्योंकि बिहार सरकार ये मधुबनी जिला पंडोल प्रखंड की ही नहीं है, ये बिहार की, बिहार में सभी जगह, सभी प्रखंड में, जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी जिला हैं, सब जिला में इसी तरह वृद्धजन को परेशान किया जा रहा है। मैं शैलेश कुमार, navsancharsamachar.com, मैं मुख्य सचिव वृद्धजन पेंशन कल्याण विभाग को यह बता देना चाहता हूं कि जनता अब 80 की नहीं रही, जनता अब 90 लालू प्रसाद की जनता अब नहीं रही जो कि लाठी पिलाओ और सत्ता पाओ। जनता बहुत सुधर समझ चुकी है, इसीलिए जो मृतक हैं हमारे हिसाब से आप उसे जांच करके या व्यवस्था करके उसको पेंशन जारी करें। सबसे पहली बात है आपका जो पंचायत प्रशासन है, त्रिस्तरीय व्यवस्था में मुखिया प्रशासन और प्रखंड प्रशासन बहुत ही ढुलमुल रवैया अपना रही है। ये कभी वीडियो नहीं मिलता, कभी सीओ नहीं मिलता, ये इसको आप सही ढंग से कीजिए और व्यवस्था कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो क्लिप पर बिहार सरकार अवश्य कदम उठाएगी। मैं शैलेश कुमार, navsancharsamachar.com, मधुबनी बिहार। चलिए हाँ, क्या है क्या नाम है? भूखन यादव। अब देखिए भूखन यादव, आपको क्यों नहीं मिल रहा पंचायत पेंशन? पेंशन नहीं मिल जाए, जहिया से सेवक जी नहीं दिलके पंचायत भवन में, तहिया से खाता जो खोले तहिया से नहीं पैसा मिला। हाँ तो पंचायत सेवक जो ट्रांसफर हो गया उसके बाद जो पेंशन बंद हो गया, तो आप कहाँ कहाँ गए चालू करवाने के लिए? सबसे माना जहाँ तक माना पंडोल सब ठिना गेलिए, लेकिन चालू नहीं हुआ। चलिए ठीक है, खाता माना भाड़ा में जो खोजल तहिया से खाता पर एक दिन का रुपया नहीं। हाँ, कंप्यूटराइज के बाद से ये कंप्यूटर तकनीकी के कारण ऐसा हो रहा है। ये कंप्यूटराइज जब से हुआ, बिहार सरकार ने कंप्यूटराइज आवेदन किया, तब से वृद्धजन को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। ठीक है, और क्या नाम है? उपेंद्र ठाकुर। उपेंद्र ठाकुर, कब से पेंशन बंद है? एक बार से कहाँ कहाँ गए? मैथिली में बोलिए, कहाँ कहाँ गए, कत कत गए? पंडोल गलो है, अपना समाज में घोरलो है, नहीं भेटल। नहीं भेटल है, ठीक है, चलो। की नाम भेल? उपेंद्र ठाकुर। उपेंद्र ठाकुर, चलो ठीक है। पकड़ू ना, अहाँ छोड़ दियो, अहाँ हाँ पकड़ू। क्या नाम है? मैथिली में बजबाक छे, जेकरा गैर परवाह के खुल के कहियो भरास निकालो पूरा, बुझलिए? डर के नहीं छे,
की नाम भेल? भरत। भरत यादव। और पेंशन कहिया से नहीं भेटल रहा? पंचायत भवन से नहीं भेटल रहा। पंचायत भवन से नहीं भेटल, माने एक बेर भेटल रजिस्टर पर? नहीं। अच्छा, कत कत गेलिए पंचायत पेंशन चालू करबे के लिए? जत जत कहले छ लोग सब तत तत गेलिए, हम कतौ नहीं मिलल, नहीं भेटल। नहीं भेटल। की नाम? भरत। वार्ड में? वार्ड नंबर छो। वार्ड नंबर छ। पंचायत सलमपुर, हैदरपुर, हैदरपुर हमरा सब के चलू छी। सलमपुर है, सलमपुर चलू। पंचायत सलमपुर, ठीक छ, जाओ भ गेल। और तो ये है बिहार, आपने देख लिया जो कि नव संसार है और हमेशा आपके समाज के लिए है, गांव के समाज के लिए है। आपके पास सिर्फ मैं ही आऊंगा, मैं शैलेश कुमार, नव संसार समाचार .com। ये काम इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसके साथ ही हमारा ये क्लिप समाप्त होता है। नमस्कार।